मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर परेड ग्राउंड में नगर निगम देहरादून की ओर से आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम, भगवान बद्री विशाल और मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की है। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से राज्य को हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी राज्य में तेजी से विस्तार हो रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी को, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता कर्म और मर्म का मानते हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्मदिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वमेव स्वस्फूर्त लोगों में जोश है और लोग प्राथमिक प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता का संदेश देने के लिए आज युवाओं को सड़कों में दौड़ने के साथ साथ उनको सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमारे देश का और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नगर निगम ने भी ये दौड़ का